हेलो एंड वेलकम बैक टू वंदनास किचन। नमस्कार, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है मुर्शिदाबाद की एक फेमस कचौड़ी जिसे खीरे की कचौड़ी कहते हैं। और ये जो खीरे की कचौड़ी है इसके पीछे एक हिस्ट्री है, ये इसका ओरिजिन कहाँ से है जो मैं आपके साथ में जितना नॉलेज मुझे है मैं आपके साथ में वो शेयर करना चाहती हूँ। तो ये बेसिकली क्या है कि राजस्थान के राजपूतों का एक ग्रुप था, राठौड़ों का एक ग्रुप था, जो कि वहाँ से मुगल काल में जब मुगल इंडिया में थे उस टाइम पे वहाँ से माइग्रेट होकर के वो लोग मुर्शिदाबाद में नदी के किनारे आकर के वो लोग बस गए। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी अपनी हवेलियाँ बनाई क्योंकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी लाइन से हवेलियाँ बना ली और उसमें वो लोग बहुत बड़ी फैमिली थी और वहाँ पे रहने लग गए। अब वही वो फैमिली जो है धीरे धीरे बढ़ने लग गई और उन्हें वहाँ के जो लोकल लोग थे वो लोग शहर वालों के नाम से उन्हें पुकारने लग गए। तो ये जो कचौड़ी है वो समझ लीजिए आप उन्हीं की रसोई का एक हिस्सा है और ये बहुत ही फेमस है। इसे मुर्शिदाबादी कचौड़ी भी कहते हैं, इसे शहर वाली कचौड़ी भी कहते हैं और खीरे की कचौड़ी भी कहते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। सबसे पहले मैंने खीरे को, दो खीरे हैं उनको मैंने कद्दूकस कर लिया है और एकदम अच्छे से हाथ से निचोड़ के पानी निकाल लिया है और पेपर नैपकिन पे मैंने रख लिया है इसको। 2 कप मैदा लिया है, ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए, कोरिएंडर लीव्स को, धनिया पत्ती को काट के रख ली है, 2 से 3 बड़े चम्मच घी लिया है मैंने और 250 ग्राम दही लिया था उसको मैंने रात को हैंग करके रख दिया है। देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है हैंग कर। और कुछ मसाले लिए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला और सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली लेना है, और गुनगुना पानी करके रखा है डो बनाने के लिए जिससे डो बहुत सॉफ्ट बनेगा। सबसे पहले हमें ऊपर की जो कोटिंग है वो बनानी है, उसके लिए मैदे के अंदर नमक डाला है मैंने, 2 चम्मच घी डाला है और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। घी डालने की वजह से हमारी जो कचौड़ियाँ की ऊपर की जो कोटिंग है वो सॉफ्ट बनेगी, बहुत क्रिस्पी रहेगी। और ये अब जो गुनगुना पानी था उससे मैंने डो बना लिया है। ये देखिए डो जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक ठीक होना चाहिए। इस तरह से अच्छे से डो बना लेना है और डो बनाने के बाद में हमें इस डो को कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए रख देना होगा ताकि पानी जो है वो पूरी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा डो बहुत स्मूथ हो जाए। ये देखिए इस तरह से अब हमें इस डो को रख देना है कुछ देर के लिए। कचौड़ी का मसाला बनाने के लिए अब मैंने जो ड्राई की रख करने के लिए रखा था टिश्यू इसके पेपर के ऊपर में खीरा वो ले लिया है, उसमें सारे मसाले मिला लिए हैं। ये देखिए सारे मसाले मिला के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मसाला हमें थोड़ा तीखा ही रखना है क्योंकि कचौड़ी का मसाला जो होता है वो थोड़ा तीखा ही रहता है। ये धनिया की पत्ती मैंने ऐड की है और अच्छे से मिक्स कर ली है। आप चाहो तो इसमें बारीक कटी हुई ग्रीन चिली भी डाल सकते हो। ये कर्ड ऐड किया है, कर्ड बिल्कुल हैंग किया हुआ ड्राई होना चाहिए नहीं तो कचौड़ी बनाने में दिक्कत होगी क्योंकि मसाला गीला हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का सूखा मसाला हमें चाहिए। 5 मिनट हो चुके हैं और ये हम अपने डो में को घी लगा करके थोड़ा सा दोबारा इसको इस तरह से अच्छी तरह मथ लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हमारी कचौड़ियाँ जो हैं वो अच्छी बने। इस तरह से अच्छी तरह स्मूथ कर लेना है इसे। जो डो था उसके मैंने इस तरह के छोटे छोटे लोई बना के रखी है और इसको बॉल्स बना करके इस तरह से हमें रोल कर लेना है और इसकी जिस तरह से पूड़ियाँ बनाते हैं उस तरह से छोटी छोटी पूड़ी बना लेनी है। ये इस तरह से देखिए पूड़ियों की तरह मैंने इनको बेल बेल के रख लिया है। ये ऐसे मैं एक बार में 2-3 बेल लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसको कैसे फिल करना है। ये इस तरह से मैंने मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं। ये इस तरह से बेलने के बाद में
अब इसके अंदर हमें फिलिंग करनी है। ये मसाला जो है वो इस तरह से हमें अंदर में फिल करके ऊपर एक और पूड़ी रख के और उसको अच्छे से प्रेस करके लॉक कर दिया। फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर करके इसकी लॉकिंग कर देनी है। देखिए इस तरह से इसकी लॉकिंग कर देनी है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये दिखने में। एक और दिखा देती हूँ मैं। ये बीच में इस तरह से मसाला रखना है और फिर चारों तरफ से इसको प्रेस करके फिर इसकी इस तरह से लॉक कर देना है इसको। इसके लॉक करने के हैं जो कई तरह से ये लॉक किया जाता है जा सकता है, लेकिन ये एक तरीका है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ये इस तरह से कचौड़ी को लॉक कर देना और प्रेस कर देना चारों तरफ से। ये देखिए सारी कचौड़ियाँ स्टफ़ करने के बाद कढ़ाई में ऑयल डालना है, फ्राई करना है हमें। ये हमारा ऑयल जो है ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। हम टेस्ट कर लेते हैं। एक छोटा सा मैदे का टुकड़ा मैंने डाला है इसमें डो का और ये ऊपर आ गया है, मतलब ये रेडी है। तो अब हमने सारी कचौड़ियाँ जो है मैंने इसमें फ्राई करने के लिए छोड़ दी है। जब पहले फ्राई करने के लिए कचौड़ियाँ छोड़ेंगे तब ऑयल अच्छा गर्म हो जाना चाहिए, इसलिए फ्लेम जो है वो हाई रहनी चाहिए। और कुछ देर बाद में हमें फ्लेम को कम कर देना है और कम फ्लेम में हमें काफ़ी देर तक इसको फ्राई करना होगा। इसको कम से कम 10 मिनट्स मिनिमम लगेंगे फ्राई होने में। देखिए इस तरह से टर्न कर करके दोनों साइड हमें अच्छी तरह फ्राई कर लेने हैं। हमारी कचौड़ियाँ जो है वो दोनों साइड से अच्छी सिक चुकी हैं, अच्छी फ्राई हो चुकी हैं। मैंने इनको पेपर नैपकिन पे प्लेट में निकाल लिया है इस तरह से। ये निकालने के बाद ये बिल्कुल तैयार है और अब हमें इन्हें गर्मा गर्म हम इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये हमारी कचौड़ियाँ तैयार हैं, इनको आप चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। ये खीरे की कचौड़ी जो है आप घर पे ट्राई जरूर करिएगा, ये बहुत ही यम्मी होती है और इसको बहुत ही मतलब एकदम चटपटी सी और मज़ेदार होती है। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं, नई नई रेसिपीज़ हैं वो आपके पास लगातार पहुँचती।